ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में ना, हम लोग पता करने वाले हैं कि फ्यूचर क्या है आपके कनेक्शन का, फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का, आगे क्या होने वाला है और क्या आप दोनों एक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप आज हम चेक करने वाले हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप ये रेजोनेट करे आप सभी लोगों से। अगर करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए आए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं अपनी अपनी राय, क्योंकि आप लोगों को पता है कल है संडे और कल मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट रीडिंग करने वाली हूं। तो एक पोल मैं जरूर डालूंगी, अभी कुछ आप लोगों से मैंने पोल शेयर कर दिया है ऑलरेडी, है ना। तो आप लोग उस पोल के ऊपर जाकर के, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए और पॉजिटिवली अपना जो आंसर है वो दीजिए। ठीक है, और अगर कोई और ऑप्शन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वहां जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज देखने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर क्या है आपके इस रिश्ते का। आप जिस भी तरीके के रिलेशनशिप में हैं, चाहे ये नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है, जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, क्या है उसका आगे चल करके फ्यूचर। थ्री ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है हमारे पास, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। थोड़े से अभी मैं दो तीन कार्ड ऐसे निकाल के देखूंगी कि आप लोगों से ये चीज रेजोनेट हो रही है नहीं, बताऊंगी थोड़ा सा कि क्या चल रहा है अभी, ताकि आप लोग देख पाए, समझ पाए कि आपके लिए है वीडियो या नहीं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। तो फॉर श्योर सबसे पहले मैं जोडियक्स बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है हमारे पास। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन है। और एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बोलचाल बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो अगर आप लोगों की बातचीत अभी हो रही है, लाइक रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। आप चाहे इसे देखें या ना देखें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप लोगों को अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट फील हो रहा है, आपको देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, लेकिन जिनकी रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है उन लोगों के लिए आज की रीडिंग नहीं है। अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में है या फिर बातें हुए ही एक जमाना बीत चुका है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर एकदम गार्डेड अप है अभी करंटली। ठीक है, ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। आपसे ही नहीं, वो किसी से भी ठीक तरीके से बात नहीं करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, फैमिली बर्डन, फैमिली का नेगेटिव प्रेशर बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के जिंदगी के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी नार्किस्टिक फैमिली से डील कर रहे हैं, कार्मिक कनेक्शंस के अंदर फंसे हुए हैं, किसी ना किसी तरीके के कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं। या तो हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनके साथ फंसे हुए हैं, या फिर वो नार्किस्टिक पेरेंट्स के साथ फंसे हुए हैं जो उनके कार्मिक हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर है आप दोनों के बीच में। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, एंड ये थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। अब बात कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ अपने काम में व्यस्त, लेकिन उनको फिर भी आपकी याद आती रहती है बहुत ज्यादा। देख रहे हैं आप लोग, किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल उनको याद तो आती ही है आपकी, और बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया ताकि आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है या आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, वेदर कुछ अच्छा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ओके, डेथ का कार्ड है हमारे पास, डेथ कार्ड, सुप्रीम कार्ड फील होता है मुझे बहुत ज्यादा। फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं यहाँ पे, टावर। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग अपने सोलमेट या फिर अपने ट्विन से डील कर रही हैं। नॉर्मल रिश्ता नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये वाला कार्ड लेंगे, हाई प्रिस्टेस, एब्सोल्युटली मैंने तो बोला ही था। एंड लास्ट कार्ड वी हैव टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे
फूल का कार्ड, ठीक है, फूल का कार्ड है हमारे पास। तो द फर्स्ट थिंग विच कम इन माई माइंड, देखो सबसे पहले तो मैं आंसर ही बता देती हूँ। ऑफकोर्स आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, ये पर्सन वापस से आएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपको एक पॉजिटिविटी देने के लिए, आपकी लाइफ के अंदर एक खुशी भरने के लिए। ऑफकोर्स ये आपकी जिंदगी में दोबारा से आएंगे। लेकिन जो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि बहुत ज्यादा पापड़ बेलने के बाद, अगर आप लोगों का सेपरेशन अभी कुछ समय पहले ही हुआ है तो अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टावर का कार्ड है, सोल चॉक का कार्ड है, ये कार्ड आपको यही बताता है कि अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और कुछ ड्रास्टिक नेगेटिव चेंजेस आए हैं आप दोनों की जिंदगी के अंदर जो कि आगे चल करके सही होंगे। लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले हो आप लोग इन सब चीजों को लेकर के, और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी फील होगा। ये मेहनत करने के बाद आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आप सुप्रीम हो जाएंगे। कैसे? आपकी जिंदगी के अंदर आप अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड सबसे बड़ा कार्ड होता है पूरे के पूरे डेक के अंदर, और ये बताने की कोशिश करता है कि आप वैल्यूएबल हो जाएंगे, आपके अंदर हर तरीके का हुनर आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर सोर्सेज आ जाएंगे, आप अपने आप से ज्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे, आप अपनी फैमिलीज को, खुद को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, आप हर चीज में आगे होंगे, पारंगत होंगे। आप कमाने कमाने से लेकर के आप अपने स्किन के टेक्सचर तक को देख लीजिए, आप अपने टेम्पल यानी आपकी बॉडी की सफाई और अपने टेम्पल को हमेशा खूबसूरती से सजा के रखना, यानी कि आप हर तरीके से वेल डिसिप्लिन एंड बेस्ट वर्जन हो जाएंगे अपनी जिंदगी में अपने आप का, तब जाकर के इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होने के चांसेस है, ठीक है। डेथ का कार्ड है हमारे पास, न्यू बिगनिंग्स होंगी। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, फैमिली सेलिब्रेशन एंड पॉजिटिविटी जरूर आएगी, तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात है नहीं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास फूल का कार्ड है, आप दोनों की शादी तो जरूर होगी लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है, आप दोनों वापस से एक होंगे लेकिन आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जब आप एकदम अथॉरिटेटिव फिगर हो जाएंगे ना, यानी कि आप कोल्ड, अग्रेसिव, डिमांडिंग एंड अथॉरिटेटिव हो जाएंगे अपने काम को लेकर के, अपने आप को लेकर के, आप सीरियस हो जाएंगे, आप रोएंगे झीकेंगे नहीं, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हाय राम पता नहीं क्या कर रहा होगा वो, आप स्टॉक नहीं करने शुरू करेंगे उनको, आप अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आप डे टू डे लाइफ में अपना योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब आपको 555 बहुत ज्यादा दिखेगा, जब आपको 111 और 696 एंड 969 बहुत ज्यादा दिखेगा, तब समझ जाइएगा कि वो दिन आ गया है जब आप लोगों का रियूनियन होने को है। हैरोफेंट का कार्ड है, शादी तो जरूर होगी और इस पर्सन के साथ ही होगी इन एनी हाउ, ठीक है। सो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज रियली वेरी ब्राइट, शादी होने के चांसेस है लेकिन आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। तो अगर इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग अपने अंदर देख रहे हैं, काफी ज्यादा मेच्योर हुए हैं आप, तो समझ जाइए कि रियूनियन के दिन अभी ज्यादा दूर नहीं है। ऑफकोर्स आप लोगों की मेच्योरिटी होने वाली है एंड आप दोनों का रिकंसिलिएशन भी होने को है, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे एडवाइस कार्ड क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास है अबेंडेंस, तो आप लोग अपने अबेंडेंस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो, या फिर आप लोगों की जिंदगी में अबेंडेंस आने वाला है। फिर है हमारे पास यहाँ पे ये वाला कार्ड, चूज अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। अगर अभी भी आप लोग नेगेटिव ही रहते हैं, अभी भी आप अगर दूसरे के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, आपके दोस्त आपके आपको हिला के रख देते हैं, अरे वो तो उसके साथ घूम रहा था, अरे वो तो उसके साथ इंजॉय कर रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो एक बार रुक जाए, एक नई डायरेक्शन चूज करें, सब कुछ सही होगा एंड इट्स अप टू यू। तो ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने पॉजिटिव होकर के चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो ऑफ कोर्स आप मेडिटेट करें, अच्छा सोचें अपने बारे में, जरूर से जरूर इस पर्सन के साथ आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रही होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो योर ऑप्शंस, योर रिक्वेस्टेड रीडिंग। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। Bye!